आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। और आप सभी को सबसे पहले राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है राधा अष्टमी, राधा जी का जन्मदिन है ना। जय श्री कृष्णा। और तो मैं तो नहा धो करके बैठ गई हूँ यहाँ पे, तो अब चरणामृत से अभिषेक करती हूँ। मैंने अभी तक पहले मतलब राधा जी के कपड़े, कान्हा जी के कपड़े सभी तैयार किए मैंने एक जगह, क्योंकि उसके बाद फिर ढूंढने होते हैं ना, यहाँ वहाँ। इससे अच्छा तो ये देखो, मैंने यहाँ पे इनमें फूल हूल होकर के, यहाँ देख लो अच्छे लग रहे हैं ना। अभी इनको अभिषेक करके इन्हीं को पहना देती हूँ, फिर इनके लिए बनाती हूँ भोग। और आज हमारे यहाँ दुर्गाष्टमी भी हुई है आज, नंदा मतलब नंदाष्टमी भी, दुर्गाष्टमी भी और राधाष्टमी भी। तो हमारे यहाँ उठता है डोला दुर्गा मतलब नंदाष्टमी का, तो आपको वहाँ भी ले चलूँगी, ठीक है? वो ब्लॉग अलग से रहेगा, लेकिन ये ब्लॉग अलग आएगा राधाष्टमी का। इनका अलग से बनाऊंगी, वो अलग से डालूंगी, ठीक है? तो चलो फिर हम इनका अभिषेक कर लेते हैं। पूजा की तैयारी करती हूँ, आप लोग बने रहे लास्ट तक मेरे साथ, ठीक है? आज इतनी खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलो दोस्तों, फिर हम अपने लाली जी को, कान्हा जी को, मतलब हमारे पास राधा रानी नहीं है तो हम कान्हा जी को ही राधा बना रहे हैं। और मैंने ये सोच रखा है, वैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इस बार राधा रानी को जरूर लाऊंगी। अभी नहीं, मतलब थोड़ा समय रुक करके ये सोचा है मैंने, राधा रानी को लाऊंगी। और क्या कहते हैं, चलो फिर इनको पंचामृत से स्नान करा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया मतलब इनका भोग बनाने की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो चलो, क्रिस भी कर रहा है, मतलब वो कर रहा है, मैं इनको वो करती हूँ, ठीक है? आज क्रिस कर रहा है बड़े भाव से लाला और लाली जी की सेवा। मैं तो खुश हो गई आज इसको देख के। तो मेरे दोनों छोटे लाला तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब करते हैं अपनी लाली जी को तैयार। कितनी प्यारी लग रही है। तो मैंने इनकी ड्रेस पहना दी है, अब पहना रही हूँ मैं इसको। देखो कितनी प्यारी लग रही है। घूंघट के पीछे क्या है, घूंघट के नीचे क्या है। चलो राधा जी की बाल बना लेते हैं अच्छे से। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी लाडो रानी। हो गया, देख कितने अच्छे लग रहे हैं और ऐसा कर रही है। ज्ञान जी को दिल मानो प्यार के संगीत में ओह मोहिनी रंगनी। तो क्रिस के लिए थोड़ी देर हो रही है, तो जल्दी जल्दी पूजा करके स्कूल को जा रहा है। स्कूल जाना है ना इसने, तो चलो फिर। क्रिस ने तो अपने उससे पूजा कर ली है और अब इसके बाद होगी मेरी पूजा शुरू। तो ये देखो, और मेरे पास ये पायल थी तो मैंने लाली को अपनी पायल पहना दी है। अब मैं जब लाली को लाऊंगी तो फिर उनके लिए पायल सब कुछ लाऊंगी मैं जेवर। तो कितनी प्यारी लग रही हैं, भाव चाहिए मतलब वो करने के लिए ना, पूजा करने के लिए। अपने पास भाव हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। झूला लेते हैं, मैंने झूले में बैठा दिया है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये बना लिया है मैंने, राधा रानी का भोग तैयार हो गया है। तो इनको अब
इनका अभी से पूरा सब कुछ हो गया है, तो अब इनको भोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी राधाष्टमी धूमधाम से बनाइए। चलो हम इनको भोग लगा लेते हैं। तो मैंने पूरी और हलवा और थोड़ी सी खीर और अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी लाली को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इतनी चीज़ें बनाई थी अपने भाव से, जो मेरे भाव थे। तो ठीक है, फिर तो इसी प्रसाद को हम रात को दोनों माँ बेटे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम दोनों का ही व्रत है, निर्जला व्रत है। तो ठीक है फिर। तो दोस्तों अपनी वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे, हरे।